राहुल गांधी के घर पहुंचे रंधावा और केसी वेणुगोपाल। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि राजस्थान में जो राजनीति अभी चल रही है उसको लेकर चर्चा हो सकती है, राजस्थान के मसले पर चर्चा हो सकती है, और ऐसे में केसी वेणुगोपाल और सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे हैं राहुल गांधी के आवास पर। दिल्ली से खबर मिल रही है, राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं रंधावा और केसी वेणुगोपाल। राजस्थान के हालातों पर चर्चा हो सकती है, जैसे सचिन पायलट ने एक दिन का अनशन किया, मौन व्रत धारण किया, उससे नाराजगी देखी जा रही है। प्रदेश प्रभारी ने नाराजगी भी जाहिर की, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात। तो वहीं राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे हैं रंधावा और केसी वेणुगोपाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं रंधावा और केसी वेणुगोपाल। राजस्थान की राजनीति पर अहम चर्चा हो सकती है। राजस्थान बड़ा मुद्दा है अभी, क्योंकि नहीं चाहेंगे कि दूसरे स्टेट्स के साथ ये भी स्टेट हाथ से निकल जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? राहुल गांधी के आवास पहुंचे हैं रंधावा और केसी वेणुगोपाल। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले रंधावा पंजाब भवन से निकल के केसी वेणुगोपाल के घर गए और वहाँ लगभग 10 मिनट तक बैठे और वहाँ से दोनों नेता निकलकर पहुंचे हैं राहुल गांधी के घर, क्योंकि राहुल गांधी इस मामले में फैसला लेंगे। गांधी परिवार को फैसला लेना है, पहले को खड़गे का नाम होगा जो अध्यक्ष है, लेकिन फैसला राहुल गांधी को ही लेना है इस मसले पर। और दूसरी बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल रंधावा ने बोला कि पंजाब से ही बनने देंगे, राजस्थान को तो एक दौर था जब पंजाब का डिस्प्यूट चल रहा था तो किसी नेता ने कहा था कि मध्य प्रदेश नहीं बनने देंगे पंजाब को, तो ये दूसरी बार इस तरह का बयान आया। देखिए, इस तरह के बयान को कनेक्ट करके देखा जा सकता है, और मतलब क्या इस तरह की चीजें होती है, जो नेता बयान देते हैं उसका मतलब समझिए। और पंजाब भी क्या हुआ मध्य प्रदेश के बाद वो भी सब लोग जानते हैं, और मध्य प्रदेश अब जो बयान आया उसके बाद राजस्थान का क्या हाल होने वाला है ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि पार्टी की हार लगभग तय मानी जा रही है चुनाव में। लेकिन बावजूद इसके जो पार्टी में लड़ाई है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, और पार्टी चाहती है इस बार जो सॉल्यूशन निकाला जाए, जो समाधान निकाला जाए, वो फाइनल समाधान निकाला जाए, क्योंकि पिछले 3 साल से जो लड़ाई चल रही है दोनों नेताओं के बीच में उसका पार्टी को ऑलरेडी बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और इसका मैसेज भी गलत जाता है पार्टी के कार्यकर्ताओं में। वैसी स्थिति में एक कोई मैसेज दिया जाएगा, चाहे तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर सचिन पायलट के खिलाफ हो, चाहे कोई एक ऐसा बयान आएगा कि आगे के लिए बिल्कुल ही बैन हो जाए, किस तरह की बयान। रवि, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आज राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे रंधावा और किसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी ने कहा था कि दोनों मेरे एसेट हैं, तो क्या इसी वजह से जो है वहां पर पहुंचे हैं कि राहुल गांधी से भी बातचीत की जाए ताकि मसले का हल निकाला जा सके? बिल्कुल, अगर आप गौर कीजिए 2018 में तो इसी राहुल गांधी के घर पे लंबी बैठक चली थी मुख्यमंत्री बनने को लेकर, और अशोक गहलोत कभी निकलते हैं एयरपोर्ट जाते हैं फिर इस घर पे आते हैं, बैठक होती है, सचिन पायलट जाते हैं, सचिन पायलट आते हैं, तो कोई एक फॉर्मूला उस समय राहुल गांधी के सामने डिस्कस हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, शायद जो बातें कही जा रही है कि इनको सचिन को प्रॉमिस किया गया था कि आगे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या जो भी हुआ होगा, तो राहुल गांधी की जानकारी में वो फॉर्मूला है, वो बातें हैं, और गांधी परिवार इस मामले से जुड़ा रहा है उस समय। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही आज अध्यक्ष हो, लेकिन इस मामले में जो भी फैसला होगा उसमें राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी दोनों की राय के बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन रवि, इस दौरान देखने वाली बात है, पिछली बार जब सचिन पायलट पर कार्यवाही हुई थी तो उप मुख्यमंत्री का पद चला गया था, अब कार्यवाही होगी तो क्या होगा? अब देखिए, सचिन पायलट के पास भी दबाने को बहुत कुछ नहीं है, सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है पार्टी में, उनके पास कोई और जिम्मेवारी नहीं है ऐसी स्थिति में, तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है, सस्पेंड करती है, किस तरह की बातें एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब चूंकि रंधावा जो प्रभारी है वो खुद ही कह रहे हैं कि कार्रवाई तो होगी, अब कार्रवाई किस तरह की होगी, क्या मैसेज देना है, क्योंकि रंधावा से जो बातचीत हुई हम लोगों की, उनका कहना है कि ये फाइनल सेटलमेंट होगा, और उन्हीं का बयान ये भी है कि हम पंजाब नहीं बनने देंगे राजस्थान को, तो क्या सोचा है पार्टी ने, और रंधावा क्या रिपोर्ट देते हैं आला कमान को, उसके आधार भी ये कार्रवाई होगी, तो देखिए क्या होता है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। और आज वेट एंड वॉच वाली स्थिति अभी बनी हुई है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर पर जानकारी देने के लिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया।